किसान खेतों में पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। बावजूद इसके पराली के जलने का सिलसिला लगातार जारी है। आलम यह है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। करनाल जिला में भी पराली के जलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल समेत हरियाणा व पंजाब में हर साल फसल कटाई के बाद किसान खेतों में बची पराली को नष्ट करने के लिए आग के हवाले कर देते हैं। हर साल किसान पराली में आग लगाने को अपनी मजबूरी बताते हैं। अगर किसानों की माने तो पराली को खेतों में मिलाने वाली मशीन महंगे किराए पर उपलब्ध होती है। अगर किसान पराली को आग लगाने की बजाय उसे इकट्ठा करके पराली के गट्ठे बनाते भी हैं तो उसका खरीदार नहीं मिलता, इसलिए किसानों के पास पराली में आग लगाने का ही विकल्प बचता है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से पराली में आग लगाने वाले किसानों से भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बावजूद इसके किसान लगातार पराली में आग लगा रहे हैं। हरियाणा के करनाल जिले के अलग अलग एरिया में पराली में आग लगाई जा रही है। अगर सरकार व जिला प्रशासन छोटे किसानों को मुफ्त में पराली को खेतों में मिलाने वाली मशीनें उपलब्ध करा दे तो शायद किसानों द्वारा पराली में आग लगाने के मामलों में कमी आ सकती है। प्रशासन की ऐसे किसानों के खिलाफ जुर्माना वसूल करने की सख्ती के बावजूद भी जनता हर साल प्रदूषण की मार को झेलती है। वहीं कृषि विभाग द्वारा 300 से अधिक फायर लोकेशन को भी ट्रेस किया गया है और पराली में आग लगाने वाले कई किसानों से जुर्माना भी वसूला गया है। ऐसा है जी, यहाँ सरकार कोई कहता मशीन देवे, कोई कह सुविधा देवे, उरा ना कोई मशीन है जी ना कोई सुविधा है। आग लगाना हमारी मजबूरी, हमने गेहूँ बोनी जी, आज 16 अक्टूबर का टाइम है, 1 नवंबर ने गेहूँ बोनी जी, इसमें तो हम अगर 20 हजार भी निकालना जी भी हमारा समाधान नहीं होता। इतना डीजल हम कहाँ तक लाएंगे किसान आदमी। वहीं अगर सरकारी बात करें, सरकार कहती है कि हमने मशीन अवेलेबल करा रखी है। करनाल जिले की बात करें तो यहाँ पर भी जो उपायुक्त है उन्होंने कहा है कि हमने मशीनें जो है दे रखी है किसानों को, चला रहे हैं। सर कहाँ मशीनें हैं, कहीं आपको पूरे एरिया में घूम लो, आप कहीं देख लो जाकर, कहीं पराली इकट्ठी हो रही कहीं नहीं हो रही, सब किराए की मशीनें हैं। 1200 रुपये 1500 रुपये किराया कर रखे, अगर फिर गट्ठे बनवा ला जी, गट्ठे के फिर गट्ठे कोई खरीदार नहीं है, गट्ठे नहीं कोई लेंदा, गट्ठे हम कहाँ लेके जाऊँगा, गट्ठे फिर हम डांग लगाओगे जी, कहीं उस पर हमारी मजदूरी लगेगी, हम खुद ब्रांड में मर जाएंगे, फिर उसमें मतलब हमें आग लगानी पड़ेगी जी, उसका भी समाधान आएगी है बाद में। जिस तरह से सरकार या जिला प्रशासन की बात करें तो वो किसानों पर कार्रवाई भी कर रही है, मील है सही। हाँ, इसमें ये भी सुनने में आया जी भी सरकार किसानों पर कार्रवाई कर रही है, 1 एकड़ का 4000 रुपये का चलान है, मील इतने चला जी, दिन रात धुआं फेंका, रॉक फेंका सड़कों पर, हैं आदमी की चल दे आंखों में राख गिर जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं जी, किसानों पर कार्रवाई होगा सारी सरकारों की, अकिन मिल वालों पर भी होगा। अभी क्या मांग कर दे, क्या कुछ होना चाहिए? हम तो ये चाहूँगा जी सरकार आने का फन्ने काट कर हमारे उठा कर ले जाओ, हमने कई दिक्कत है, हम उस सरकार पर तो फन्नों के पराली के पैसे मिल लेंगे। कहीं ना कहीं मजबूरी आपको सर ये तो मजबूरी, आप देखो इसमें मतलब कितना पराल आयु, इसको हम कैसे काबू करेंगे और कैसे इनका हम काबू करेंगे, ट्रैक्टर से तो ये काबू नहीं होंगे जी। अगर हम इसने इकट्ठी करके बाहर भी निकलवाओ तो भी निकल दीजिए, इसमें 50 मजदूर लगेंगे, 1 मजदूर 400 रुपये लेता है जी, 10 हजार तुम्हारा यू ही खर्चा आ जाएगा, 30 हजार की गेहूँ होगा जी किले में। ये जीरी का रेट देख लो जी, 1500 का जो जीरी का रेट 1800 रुपये चल रहा है जी, उन टॉप जीरी का जो बढ़िया जीरी है 1600 में जीरी बिक रही जी, एक PR जीरी है जी जो गिल्ली ले थोड़ी सी नरम कटवावे उन्हें सरकार नहीं लेंदी, सूखी कटवावे उसमें कह दे जिसमें तो कस नहीं है। देखिए जिन किसानों से आप मिले हैं वो किसान कुछ ऐसे किसान हो सकते हैं जो जानबूझ करके विभाग द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है या तो उस तक वो पहुंचना नहीं चाहते हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है। पिछले 3-4 वर्षों से विभाग लगातार CHC छोटे किसानों के समूह बना करके मशीनें अवेलेबल करवा रहा है, 80% का अनुदान दिया गया है, 253 कस्टमर हायरिंग सेंटर जिले में बनाए गए हैं जिनमें फार्मर का जो समूह है 8 फार्मर से लेकर 250 फार्मर तक उसके अंदर है। तो एक फार्मर को पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इस तरह का ग्रुप की एक समीक्षा की गई थी कि छोटे किसानों को सीमांत किसानों को कैसे फ़ायदा हो, इसके लिए कस्टमर हायरिंग सेंटर्स की स्थापना हुई, FPOs बनाए गए, दूसरी सोसाइटियाँ बनाई गई ताकि हर किसान एक समूह बना करके उसमें जुड़ सके। और मैं आपको एक मोटी सी भाषा में बता दूं कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो किसान को 20 रुपये में दी गई। इस प्रकार 253 कस्टम हायरिंग सेंटर बना करके उसमें हज़ारों मशीनें गई हुई हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में कई हज़ार मशीनें किसानों को दी गई, 50% सब्सिडी पर दी गई हैं। उसके साथ साथ किसानों को जागरूक करने के लिए हर गाँव में खरीफ में रबी में कैंप लगाए जा रहे हैं,
कि किस प्रकार दुष्प्रभाव होता है जलाने से, वातावरण दूषित होता है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घटती है और कितने नुकसान इसके हो सकते हैं, सभी से अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी कुछ किसान जो हैं वो इन बातों को समझना नहीं चाहते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। यदि वो मशीन से अपने खेत को ऑपरेट करवाते हैं, उसके फसल प्रबंधन करते हैं तो 2.5 से 3 हज़ार रुपया खर्चा आता है, और अगर जो आग लगाते हैं तो उनको पता है कि 50 या 100 रुपया खर्चा होगा। तो इस तरीके से वो एक अपने छोटे से फायदे को देखते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो आज वर्तमान में वातावरण है, जो जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, प्राणी हैं या जो भी ह्यूमन बीइंग है, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार अभी तक ज़िले में कुल 373 आग की घटनाएं का हमारे सामने मामला आया है, जिसमें से 280 को हमने ट्रेस कर लिया है। उन पे जो विभागीय कार्रवाई है, फाइन लेने की कार्रवाई है, दूसरी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। सर, किसानों से क्या कुछ आपकी अपील है? मेरा किसान भाइयों से यही अपील है कि वो जिन किसान भाइयों ने आपके चैनल के समक्ष इंटरव्यू दिया है और कहा है कि मशीनें महंगी हैं, वो इस तरह का भ्रामक ना फैलाएं। क्योंकि मैंने पहले कहा कि छोटे समूह बना करके किसान एक समूह बनाए, 8 किसान कम से कम हो, उसमें 20 हो, 25 हो, 50 हो, कितने भी किसान हो, तो वो उन सभी मशीनों पे 80% सब्सिडी दी जा रही है। वो सब्सिडी ले सकते हैं, सभी मशीनों पे सब्सिडी है। दो तरह की मशीनें प्रयोग होती हैं, एक वो होती है जो फसल अवशेष को खेत के अंदर ही दबा देती है, दूसरी ऐसी मशीनें हैं जो उन अवशेषों को खेत से बाहर नहीं निकाल देती हैं। दोनों तरह की मशीन पर सरकार द्वारा 80% का अनुदान दिया जा रहा है ताकि किसी किसान को कोई आर्थिक नुकसान ना पहुँचे। देखिए, हर गांव के अंदर पंचायती ज़मीन होती है, हर गांव के अंदर स्कूल्स हैं, हर गांव के अंदर पानी की डिग्गी हैं, जोड़ हैं, सामलात जगह होती हैं। सभी ग्राम पंचायतों को ये आदेश दिए हुए हैं, सभी सरपंचों को ये बताया हुआ है कि गांव के अंदर जो भी व्यक्ति गट्ठे बनवाता है, उन गट्ठों को निकाल के जहाँ गाँव में जहाँ भी सामलात ज़मीन है, जो ज़मीन स्कूल की या स्कूल में उसके ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, जोड़ के पास हैं, पानी की टंकी के पास हैं, वहाँ पे उनको इकट्ठा कर ले। हमने भी डिपार्टमेंट ने अभी एक नया एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल पर जो पराली बेचने वाला किसान है वो भी उस पोर्टल के ऊपर है और जो खरीदने वाला है वो भी उस पोर्टल के ऊपर है। तो जब किसी को भी ये पता लगेगा कि उस जगह पर पराली इकट्ठी हुई है, तो उसके जो बायर होंगे, विक्रेता होंगे, खुद वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन किसानों को इसके लिए पराली ना जलाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ना कि इस तरह के बहाने बनाकर, क्योंकि इससे अब बहुत हो चुका है। किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए विभाग और सरकार तैयार बैठी हुई है कि आप आइए, आपको जो मशीन चाहिए आप मशीन लीजिए, जो कार्य आप करना है आप कीजिए, लेकिन इस भारत जो अपनी धरती माता है, आप इसमें आग ना लगाएं। इसमें आग लगाने से किसान सोचता है कि मैं कुछ फ़ायदा ले लूँगा, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके आग जलाने से उसकी ज़मीन जो है सोम बंजर होती है, ज़मीन सख्त होती है। पहले वो धुआं जो है गांव में फैलता है, गांव के बाद अगले गांव में और अगले शहर में जाता है। तो इस तरीके से वो सबसे पहले अपना और अपने गांव का ही नुकसान कर रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.